हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन एंड दिस इज़ द लेक्चर सीरीज ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग टेक्निक एंड द ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड दिस इज चैप्टर नंबर 42 एंड द राइटर ऑफ दिस बुक इज पारफुल एंड द दर्शन गोटकर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक ब्रांच है मेडिसिन की दैट इज़ कंसर्न विद द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड द ब्लड कंपोनेंट। इसके अंदर कंसर्न क्या है मेन, ट्रांसफ्यूजन ब्लड का और ब्लड कंपोनेंट का। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इंक्लूड करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ ब्लड डोनेशन, चाहे ब्लड डोनेशन हो, ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन हो, ब्लड सेल सीरोलॉजी हो या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी हो। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इवेल्यूशन ऑफ द पेशेंट विद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसके अंदर क्या है, एक चीज़ और इन्वॉल्व है साथ ही साथ, इवेल्यूएशन पेशेंट का साथ में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से और पेशेंट विद द ऑटो एंटीबॉडीज एंड द एलो एंटीबॉडीज। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ऑल्सो कंसीडर वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज हेमोफेरेसिस है, बोन मैरो एंड द पेरिफेरल ब्लड, प्रोजेनिटर सेल प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इन्फ्यूजन एज वेल एज इम्यूनोजेनेटिक्स एंड द हिस्टोकंपैटिबिलिटी इन सपोर्ट ऑफ सॉलिड ऑर्गन एंड हीमोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल ट्रांसमिशन ट्रांसप्लांटेशन। ये बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर आती हैं, साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ पेशेंट है विद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड द पेशेंट जिनके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज हैं एंड एलो एंटीबॉडीज हैं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जो है ऑल्सो कंसिडर करता है दूसरे आस्पेक्ट जैसे कि हेमोफेरेसिस है, बोन मैरो एंड द पेरिफेरल सेल, प्रोजेनिटर प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, इन्फ्यूजन है, साथ ही साथ इम्यूनोजेनेटिक और हिस्टोकंपैटिबिलिटी इन सपोर्ट ऑफ सॉलिड ऑर्गन, हीमोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन, ये भी इसकी ही अंडर में आता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेशेंट केयर एंड द क्लिनिकल आउटकम आर बेटर डिफाइंड बाय द ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कंपेयर टू द टर्म ब्लड बैंकिंग। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ब्लड सेंटर, सेकेंड इज ट्रांसफ्यूजन सर्विस। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड सेंटर से क्या समझते हैं। द सेंटर रिक्रूटेड एंड द कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डोनर, वो सेंटर है जो रिक्रूट करता है, कट इकट्ठा करता है और क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम द डोनर से एंड मैन्युफैक्चर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड कंपोनेंट। ब्लड भी जमा करता है साथ ही साथ मैन्युफैक्चर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड कंपोनेंट को, उस जगह को बोला जाता है ब्लड सेंटर। ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज क्या होती है, दीज परफॉर्म प्री ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। ये क्या है, ट्रांसफ्यूजन से पहले होने वाली जो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग है वो परफॉर्म करते हैं, सिलेक्शन ब्लड करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट फॉर द पेशेंट, ब्लड कंपोनेंट का सिलेक्शन करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं मेडिकल सपोर्ट फॉर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट टू द पेशेंट। मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर किस लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और कंपोनेंट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए टू द पेशेंट। नीचे एक इन्होंने एक नोट दे रखा है, ज़्यादातर ट्रांसफ्यूजन सर्विस जो होता है डू नॉट कलेक्ट देयर ओन ब्लड। ट्रांसफ्यूजन सर्विस जो होती है वो अपना ब्लड नहीं कलेक्ट करती है बट मेनली रिले ऑन द ब्लड सेंटर। यहाँ पे क्योंकि ब्लड सेंटर जो था वहाँ ब्लड का कलेक्शन हो रहा था, ट्रांसफ्यूजन सर्विस पे अपने लेवल पे ब्लड का कलेक्शन नहीं होता, मेनली रिले करती हैं ऑन द रीजनल ब्लड सेंटर पे। ब्लड सेंटर एंड द ट्रांसफ्यूजन सर्विस आर रेगुलेटेड बाई, इन्हें रेगुलेट कौन करता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेगुलेट करता है। ऑल ब्लड सेंटर्स एंड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद FDA। जितने भी ब्लड सेंटर हैं और ट्रांसफ्यूजन सर्विस हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए FDA से एंड द ब्लड सेंटर दैट मैन्युफैक्चर ब्लड कंपोनेंट मस्ट बी लाइसेंस। साथ ही साथ वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और वो लाइसेंस्ड भी होनी चाहिए। FDA हैज़ डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर फॉलोइंग आस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। सबसे पहला एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ब्लड डोनर, परफॉर्मेंस ऑफ द प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लड कंपोनेंट, डोनर इन्फेक्शन डिजीज टेस्टिंग, साथ ही एंड इवेल्युएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द एडवर्स इवेंट एसोसिएटेड विद द ट्रांसफ्यूजन। ये सारे जो है क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ब्लड डोनर्स की, प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग करनी चाहिए, ब्लड कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, डोनर इन्फेक्शन डिजीज टेस्टिंग होनी चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए और रिपोर्टिंग होनी चाहिए एडवर्स इवेंट की जो कि साथ ही एसोसिएटेड हैं ट्रांसफ्यूजन से। ब्लड सेंटर एंड द ट्रांसफ्यूजन सर्विस आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिक अनअनाउंस इंस्पेक्शन बाय द FDA एंड द कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एंड द जॉइंट कमीशन ऑन द एक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
in the USA. The physician must consider the expected benefit against the potential danger while considering the transfusion therapy. नीचे देखा है ब्लड कलेक्शन या डोनर क्राइटेरिया क्या है, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं इसका ओवरव्यू दे चुकी हूँ. नेक्स्ट दोबारा देख लेते हैं. ब्लड कलेक्शन, डोनर क्राइटेरिया आर एस्टेब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड डोनर एंड द ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट. करंट डोनर क्राइटेरिया जो इस्तेमाल किया जाता है 2006 आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल. दीज आर एस्टेब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड डोनर एंड द ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट, जो मैं नेक्स्ट अभी आने इसमें डिस्कस करूँगी आपसे. सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कैटेगरी दे रखी है और क्राइटेरिया दे रखा है. एज जो होनी चाहिए डोनर की वो 18 से जो है कम नहीं होनी चाहिए, 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ द होल ब्लड कलेक्टेड, मैक्सिमम कितना वॉल्यूम होल ब्लड कलेक्ट करेंगे कितना, 10.5 ml/kg. डोनेशन इंटरवल कितना होना चाहिए, पहले मैंने बताया था कि डोनेशन के बीच में 16 वीक्स का गैप होना चाहिए, फिर इन्होंने इसे फर्दर और क्लासीफाई किया है. 8 वीक्स होना चाहिए आफ्टर होल ब्लड डोनेशन, 4 वीक्स होना चाहिए इनफ्रीक्वेंट एफेरेसिस, एंड 19 वीक्स होना चाहिए आफ्टर 2 यूनिट रेड सेल कलेक्शन, एंड एटलीस्ट 2 डे होना चाहिए आफ्टर प्लाज्मा प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट एफेरेसिस. ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू लेस देन 180 mmHg होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू लेस देन 100 mmHg होना चाहिए. पल्स रेट शुड बी रेगुलर होने चाहिए, कितनी, 50 से 100 बीट पर मिनट होनी चाहिए विदाउट एनी पैथोलॉजिक इरेगुलरिटीज. हीमोग्लोबिन लेवल डोनर का होना चाहिए इक्वल टू ग्रेटर देन 12.5 g/dL. टेम्परेचर पेशेंट का इक्वल टू लेस देन 37.5°C ओरली. जनरल मेडिकल हिस्ट्री फ्री ऑफ मेजर ऑर्गन डिजीज, कोई मेजर ऑर्गन डिजीज नहीं होनी चाहिए, एबनॉर्मल ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई कैंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है. प्रेगनेंसी जो होना चाहिए डिफर करनी चाहिए फॉर 6 months के लिए, ठीक है. रेसिपिएंट ऑफ द ब्लड जो होना चाहिए डिफर फॉर द 12 months. ट्रांसफ्यूजन और टिश्यू ट्रांसप्लांट, फैमिली हिस्ट्री लेनी चाहिए ऑफ द क्यूरीफेल्ड जैकोब्स डिजीज की और रेसिपिएंट ऑफ द ड्यूरा मैटर और द ह्यूमन पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन डिफर इनडेफिनेटली. वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की क्या होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन एंड द अनलाइसेंस वैक्सीन, 12 month deferral, small pox vaccine, refer to the current FDA guideline. Recipient of live attenuated viral or the bacterial vaccine, 2 to 4 weeks का deferral होना चाहिए. Recipient oxide की synthetic or killed virals, bacterial and other vaccine, इनका कोई भी deferral नहीं है. उसके बाद infectious disease का दे रखा है, indefinite deferral होना चाहिए इसके अंदर. Positive test for hepatitis B surface antigen, क्लिनिकल लेबोरेटरी एविडेंस है अगर HCT की, HTLV की, HIV की, रिपीट रिएक्टिव टेस्ट फॉर द NTHBC, इंजेक्शन ऑफ द नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग, या फिर हिस्ट्री है बेबेसियोसिस की या चैगास डिजीज की, या रिस्क है वेरिएंट CJD की. इन्फेक्शियस डिजीज 12 मंथ डिफरल किसके अंदर होने चाहिए, नॉन स्टराइल स्किन या फिर नेडल पेनिट्रेशन है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इंडिविजुअल हु इज विद अ कन्फर्म पॉजिटिव टेस्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन, वायरल हेपेटाइटिस, HIV, सिफिलिस और गोनोरिया. मलेरिया का क्या डिफरेंस होना चाहिए, पिछले 3 सालों के अंदर वहाँ पे उसे मलेरिया नहीं हुआ हो, आप बिकमिंग एसिम्प्टोमैटिक. ड्रग थेरेपी जैसे कि इन्होंने दे रखा है एट्रिटिनेट दे रखा है डिफर इंडेफिनेटली, एसिट्रेटिन डिफर 3 years आफ्टर द लास्ट डोज, एंड ड्यूटा स्टेराइड कितना है डिफर 6 months है, एंड फेनेस्टेराइड 1 month है, एंड आइसोट्रेटियोन है 1 month. नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने एक नोट, इंजेक्शन ऑफ द मेडिसिन दैट इरिवर्सिबली इनहिबिट प्लेटलेट फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन, 36 hours ऑफ डोनेशन प्रिवेंट करता है यूज ऑफ द डोनर एज सोल सोर्स ऑफ प्लेटलेट्स. वाइल नील वायरस जो है डिफर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू FDA गाइडलाइन, और मिनिमम वेट होना चाहिए डोनर का 110 pounds मीन्स 50 kg का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डोनेशन. यहाँ एक नोट दिया है डोनर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप है डोनेशन प्रोसेस के अंदर. इससे क्या होगा, इट कन्फर्म द ब्लड डोनर आइडेंटिफिकेशन, इससे ब्लड डोनर की आइडेंटिफिकेशन कन्फर्म होगी. द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड इंक्लूड, इसमें पेशेंट का फुल नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर और सेक्स उसमें मेंशन होना चाहिए. एवरी ब्लड डोनेशन मस्ट बी टेस्टेड, हर एक ब्लड डोनेशन को टेस्ट करना चाहिए
for infectious disease marker as defined by the FDA regulation. Precaution क्या करने चाहिए blood collection के दौरान. The skin at the penny puncture site must be prepared with an antibacterial scrub to minimize the risk of bacterial contamination. ये बोल रहे हैं कि ब्लड को कलेक्ट करने से पहले वेनी पंचर साइट पे जो है स्किन को एंटीबैक्टीरियल स्क्रब से क्लीन करना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो. रेट ऑफ ब्लड फ्लो होना चाहिए बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए टू प्रिवेंट करने के लिए क्लॉट फॉर्मेशन ड्यूरिंग फ्लेबॉटमी. कितना ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड जो है होल ब्लड डोनेशन रिकमेंडेड है 400 से लेकर 500 ml. ब्लड कॉम्पोनेंट कैन बी कलेक्टेड बाय द एफेरेसिस. कलेक्शन ऑफ द ब्लड from a patient in advance of scheduled surgery for later transfusion is known as autologous donation. यानी अगर ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है किसी पेशेंट किससे उसकी एडवांस सर्जरी जो होने वाली है अगर उसमें कोई ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होगी तो उसे बोला जाएगा autologous donation. इससे क्या होगा इट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बॉन्ड पैथोजन. ये कह रहे हैं इससे फ़ायदा ये होगा जो ब्लड बॉन्ड पैथोजन्स का जो ट्रांसमिशन हो जाता है फ्रॉम अदर दूसरे लोगों से तो उससे ये फ़ायदा होगा ये प्रिवेंट हो जाएगा. From the allergic, allogenic donors, although it is not complimentary free of risk. Some adverse effects of the blood donation include कुछ adverse effect होते हैं blood donation के जैसे कि vasovagal leading to fainting चक्कर आने लगते हैं in about 5% लोगों के अंदर. nausea vomiting होती है 1% लोगों के अंदर. and repeated donors जो repeat donors are likely less likely to have reaction than the first time. यानी वो लोग जो एक बार से ज़्यादा donate कर चुके होते हैं उनके अंदर जो है ये सब सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते. पर्सनल एट अ कलेक्शन साइट शुड बी प्रिपेयर्ड टू ट्रीट डोनर रिएक्शन. वेसोवेगल रिएक्शन कैन बी मिनिमाइज. किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग द डोनर इन अ सुपाइन पोजीशन बाय प्रेयर हाइड्रेशन और बाय द कैफीन. फ्लेबॉटमी से आप क्या समझते हैं. द डोनर इज प्लेस्ड इन द सुपाइन पोजीशन आइदर ऑन अ फ्लैट बेड और स्पेशली डिजाइंड डोनर चेयर. इसमें क्या करेंगे हम डोनर्स को एक स्पाइन पोजीशन में लिटा देते हैं चाहे वो फ्लैट बेड पर लिटाएं या कोई जो स्पेशली डिजाइन चेयर होती है फॉर डोनेशन के लिए उस पर उस लिटा देते हैं पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर. द डोनर बैग जो डोनर का ब्लड बैग है सैम्पल ट्यूब एंड द डोनर रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड दीज आर लेबल्ड बिफोर ड्रॉइंग द ब्लड. इन्हें पहले ही लेबल करना चाहिए ब्लड को ड्रॉ करने से पहले. वेनी पंचर साइट जो होनी चाहिए फ्री ऑफ लीजन होना चाहिए स्किन लीजन वहाँ पर नहीं हो. टॉनिकेट अप्लाई करना चाहिए कहाँ पर अपर आर्म पे अबव द एंटी क्यूबाइटल वेनी पंचर साइट. द प्रोस्पेक्टिव एरिया इज पाल्पेटेड बाय द फिलोबॉटमिस्ट टू डिटरमाइन द वेस्ट वेन. ये कह रहे हैं जिस एरिया में आपने वेनी पंचर करना है उसको पालपेट करेगा कौन फ्लेबॉटमिस्ट ताकि वो अच्छी से अच्छी वेन को सेलेक्ट कर सके. द ब्लड कलेक्शन एरिया इज क्लीन. अब जो ब्लड कलेक्शन एरिया है उसको क्लीन किया जाएगा स्प्रिट से 70% इथेनॉल से रिमूव किया जाएगा. द रिमूवल ऑफ द ब्लड इज अकम्पलिश यूजिंग अ स्टराइल क्लोज कंटेनर सिस्टम एंड बाय अ सिंगल वेनी पंचर. नीचे एक उन्होंने नोट दे रखा है इफ मोर देन वन स्किन पंचर इज रिक्वायर्ड. ये बोल रहे हैं कि अगर हमने एक बार पंचर किया तो ब्लड नहीं आया. अगर एक से ज़्यादा हमें स्किन का पंचर करना पड़ता है ब्लड कलेक्शन के लिए तो उसके लिए हमें क्या है एक अनदर स्टराइल क्लोज सिस्टम कंटेनर विद अनदर अटैच स्टराइल नीडल इस्तेमाल करनी होगी. 450 से 500 ml ब्लड कलेक्ट किया जाता है कितनी देर में 7 से 10 मिनट के अंदर और उसके अंदर मिलाया जाता है 63 ml CPDA1 या फिर CPD एंटीकॉगुलेंट. एडिशनली 30 ml और ब्लड लिया जाता है किस लिए फॉर appropriate pilot ट्यूब के अंदर लिया जाता है फॉर necessary लेबोरेटरी टेस्ट compatibility टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट करने के लिए 30 ml एक्स्ट्रा ब्लड लिया जाता है. ड्यूरिंग फिलोबॉटमी प्रोसीजर द ब्लड एंड द एंटीकॉगुलेंट आर मिक्स एटलीस्ट 1 to 2 times पर मिनट. जब फिलोबॉटमी प्रोसीजर होता है यानी ब्लड का जब कलेक्शन चल रहा होता है उस दौरान हमें 1 से 2 times जो है ब्लड का जो बैग है जिसमें एंटीकॉगुलेंट है उसे हमें मिक्स करते रहना चाहिए पर मिनट. एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर प्रोसीजर के आखिर में द ट्यूबिंग इज क्लैम्प नियर द नीडल. ट्यूब को क्या करेंगे क्लैम्प कर देंगे नीडल के करीब से और नीडल को रिमूव कर देंगे डोनर के आर्म से. द कलेक्टेड ब्लड अब स्टोर किया जाता है 1 to 6 degrees Celsius पे. द रेशियो ऑफ द एंटीकॉगुलेंट टू द होल ब्लड क्या रेशियो होता है एंटीकॉगुलेंट का टू होल ब्लड इज 1.4 to 10 होता है. द रेशियो शुड बी मेंटेन इफ क्वांटिटी ऑफ द कलेक्टेड ब्लड इज लेस देन 450 ml. इफ द कलेक्टेड ब्लड इज यूज फॉर द प्लेटलेट प्रोडक्शन अगर जो ब्लड कलेक्ट किया है वो इस्तेमाल करना है आपने प्लेटलेट प्रोडक्शन के लिए
तो ब्लड शुड बी प्लेस रखना चाहिए आपने रूम टेम्परेचर पे, यानी प्लेटलेट प्रोडक्शन के लिए ब्लड स्टोर करना है रूम टेम्परेचर पे अनटिल जब तक कि प्लेटलेट आप रिमूव ना कर लें। द प्लेटलेट मस्ट बी स्टोर फ्रॉम द ब्लड विद इन द प्लेटलेट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद इन 8 आवर्स ऑफ ब्लड कलेक्शन, यानी ब्लड कलेक्शन करने के बाद 8 घंटे के अंदर अंदर आपने प्लेटलेट को सेपरेट कर लेना है। द ब्लड प्रोसेसिंग टेस्ट कैसे होता है, द फॉलोइंग वेरियस टेस्ट आर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑन द ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर बिफोर इट इज़ यूज फॉर द पेशेंट। ये कहना है जो आपने ब्लड को कलेक्ट किया है पेशेंट से किसी से डोनेशन के लिए, डोनर से जो कलेक्ट किया है किसी पेशेंट को देने के लिए, सबसे पहले उनके अंदर कुछ नेसेसरी टेस्ट हैं जो आपने करने चाहिए। कौन कौन से, ABO एंड RH टाइपिंग। द ABO ग्रुप इज टेस्टेड ऑन द डोनर रेड सेल बाय द फॉरवर्ड टाइपिंग। ABO को कैसे टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टाइपिंग से। द डोनर सेल यूजिंग नॉन NTA एंड NTB एंड द रिवर्स टाइपिंग एग्जामिन द डोनर सेरा फॉर एक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज। एनी डिस्पेरेंसीज बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स टाइपिंग मस्ट बी रिजॉल्व बिफोर द डोनर यूनिट इज यूज। डायरेक्ट टाइपिंग फॉर द RHOD एंटीजन इज परफॉर्म यूजिंग एन एंटी डी एजेंट ऑन इनिशियल टेस्ट। द इंडिविजुअल टाइपिंग RHOD निगेटिव मस्ट बी एग्जामिन बाय अ टेस्ट डिजाइन टू डिटेक्ट द डी वेरियंट। यहाँ इन्होंने एक और पॉइंट दे रखा है, कन्फर्मेशन ऑफ द ऑल ABO टाइप्स एंड RHOD एंटीजन यूनिट्स मस्ट बी परफॉर्म बिफोर टू द ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन से पहले इसका कन्फर्मेशन हमें कर लेना चाहिए। रूटीन टाइपिंग फॉर एडिशनल ब्लड ग्रुप इज नॉट रिकमेंडेड, यानी रूटीनली जो है जो अलग इसके अलावा ब्लड ग्रुप है उनका जो है टेस्ट करना रिकमेंडेड नहीं है। एंटीबॉडी स्क्रीन, इंडिविजुअल जिनके अंदर हिस्ट्री होती है पहले प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन की या प्रेगनेंसी की, तो उनके अंदर क्या होती है, हायर फ्रिक्वेंसी होती है अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज की। अबाउट 4 in 1000 ब्लड डोनेशन डिमॉन्स्ट्रेट अनएक्सपेक्टेड रेड ब्लड सेल एंटीबॉडीज, हेंस डोनर ब्लड शुड बी स्क्रीन फॉर एंटीबॉडीज प्रायर टू द ट्रांसफ्यूजन। इसलिए डोनर के ब्लड को स्क्रीन करना चाहिए एंटीबॉडीज के लिए ट्रांसफ्यूज करने से पहले। ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसमिटेड डिजीज टेस्टिंग, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो डिजीज ट्रांसमिट होती हैं उनकी टेस्टिंग। ए सैम्पल फ्रॉम ईच कलेक्टेड बैग इज टेस्टेड फॉर द फॉलोइंग डिटर्मिनेशन, इसमें किस किस के लिए हम टेस्ट करते हैं, यानी कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है ट्रांसमिट होती हैं, यानी HBsAg के लिए करेंगे, HIV P24 एंटीजन, anti-HBC HCV के लिए करते हैं, HIV-1 के लिए करते हैं, HIV-1, HIV-2, HTLV-1, HTLV-2 सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं सिफिलिस के लिए। अब ब्लड को प्रिजर्व कैसे करना है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बफर टू एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। ये कह रहे हैं CPD को बनाया जाता है कैसे, ऐड करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बफर टू एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। एडिशन ऑफ एडेनिन, एडेनिन के एडिशन से क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है सर्वाइवल ऑफ द स्टोर्ड एंटीकॉगुलेंट डोनर रेड ब्लड सेल। CPD सोल्यूशन जिसकी pH होती है 7.2, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट फॉर द रेड ब्लड सेल by means of adenine and by mixing ATP synthesis it increase करता है RBC की viability। CPDA increase करता है shelf life of the donor blood up to 35 days। shelf life क्या होती है, ये बोल रहे हैं कि जो blood की है अगर आपने blood में anticoagulant CPDA मिला दिया CPDA तो उससे वजह से क्या होगा, जो blood की shelf life है वो हमारी 35 days तक हो जाती है। shelf life of the donor blood can be increased to 42 days। हम कह रहे हैं डोनर की ब्लड की जो है शेल्फ लाइफ आप 42 डे कर सकते हैं बाय ऐड करके उसके अंदर मैनिटोल एंड बाय आल्सो इंक्रीजिंग द ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ CPDA, यानी CPDA के अंदर जो ग्लूकोज है अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दें और साथ ही साथ मैनिटोल ऐड कर दें तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी ब्लड की वो हो जाएगी 42 डेज। मैनिटोल स्टेबलाइज करता है रेड सेल मेम्ब्रेन को। बायोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं ड्यूरिंग ब्लड स्टोरेज के दौरान, कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द CPDA स्टोरेज टू द लास्ट डे ऑफ द शेल्फ लाइफ एज फॉलोज। ये कह रहे हैं कि जब हम ब्लड को आप स्टोर करते हैं CPDA एंटीकॉगुलेंट के साथ, अगर ब्लड की प्रॉपर्टीज आप कंपेयर करें पहले दिन से और लास्ट दिन के मुकाबले में, तो pH जो होती है ब्लड की वो ड्रॉप कर जाती है 7.2 से हो जाती है 6.7। जो ATP है उनका जो होता है डिक्रीज होते हैं, नियरली 90% डिक्रीज होते हैं इन 2-3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। इससे क्या होगा, इट इम्प्रूव करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल टू द
टिश्यू कंसिडरेबली डिक्रीज होता है प्लाज्मा पोटेशियम, प्लाज्मा पोटेशियम कम होता है, एटीपी कम होता है, सोडियम कम हो जाता है, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है ब्लड लैक्टिक एसिड, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है ब्लड अमोनिया, साथ ही साथ WBC जो होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। नीचे दे रखा है इन्होंने एक नोट, फ्रीजिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल प्रिजर्व द यूनिट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम बाय यूजिंग 40% ग्लिसरॉल। ये कह रहा है फ्रीज करें अगर आप रेड ब्लड सेल को तो इससे क्या प्रिजर्व करता है यूनिट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब उसमें आप 40% ग्लिसरॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीट रिमूवल ऑफ द प्लाज्मा द सेल्स आर स्टोर्ड इन स्पेशल पाइल पॉलीओलेफिन फ्रीजिंग बैग एट अबाउट 65 degrees Celsius। फॉरेसेंट रेड ब्लड सेल्स प्रोसेस्ड बाय द एक्सेप्टेबल टेक्निक कैन बी स्टोर्ड अप टू 10 years। द फ्रोजन RBCs आर थ्रॉड बाय प्लेसिंग दैम एट 37 degree वाटर बाथ। थ्रोइंग टेक्स अबाउट 10 minutes एंड द ग्लिसरॉल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल बाय यूजिंग कमर्शली अवेलेबल सेल वॉशर बिफोर यूज। अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करनी है सिलेक्शन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट की। लार्ज रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज आर यूज टू प्रिपेयर करने के लिए ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम द होल ब्लड। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट करते हैं लिक्विड प्लाज्मा को एंड द डिफरेंट सेल्स को, रेड ब्लड सेल हुए, WBC हुई, प्लेटलेट्स हुए। प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस ब्लड कंपोनेंट आर यूज बाय फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड। देख लेते हैं आगे, जैसे आपने अगर पैक रेड सेल को सेपरेट करना है तो ये 5 मिनट में होगा। स्पीड कितनी लगनी है, 5000 × g हैवी स्पिन। सेल फ्री प्लाज्मा चाहिए यानी क्रायो प्रेसिपिटेट, 7 मिनट में होगा ये, 5000 × जो होता है हैवी स्पिन, हैवी स्पिन करना है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा चाहिए, 3 मिनट में हो जाएगा, 2000 × g लाइट स्पिन। एक नोट दिया है इन्होंने, फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्लेटलेट कंसनट्रेट सेंट्रीफ्यूगेशन इज परफॉर्म एट द रूम टेम्परेचर। प्लेटलेट कंसनट्रेट को प्रिपेयर करने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा वो रूम टेम्परेचर पे होगा। फॉर ऑल अदर कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज कैरिड आउट बिटवीन 1 to 6 degrees Celsius। वॉट इज द प्रोटोकॉल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लड कंपोनेंट। प्रोटोकॉल क्या है ब्लड कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, सबसे पहले क्या करना है, होल ब्लड यूनिट को जो कि 500 ml है सेंट्रीफ्यूज करना है एक लाइट स्पिन से, ठीक है। अपर पोर्शन कंटेन करेगा, उसके अंदर क्या होगा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आ जाएगा जो कि 250 ml होगा, उसे कलेक्ट कर लेंगे एक स्टराइल बैग में। लोअर पोर्शन के अंदर रेड ब्लड सेल होंगे जो कि कलेक्ट करा जाएगा एक प्राइमरी बैग के अंदर। पोर्शन कंटेनिंग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, अब उस पोर्शन जिसके अंदर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा था उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, अब उसके अंदर की जाएगी हैवी स्पिन। अब उसमें क्या होगा, लोअर पोर्शन में 200 ml के बराबर लगभग आ जाएगा प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, यानी 250 ml जो हमारा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आया, अब उसको जब हमने हैवी स्पिन किया तो उसके अंदर क्या होगा, लगभग 250 ml जो होता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा आएगा। 200 ml जो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा आया उससे अब हमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनाना है और रिटर्न करना है RBC टू मेक मॉडिफाइड होल ब्लड सेल। द पोर्शन कंटेनिंग कंसनट्रेट प्लेटलेट, और वो जो पोर्शन बचा यानी 250 में से 200 आ गया हमारा पुअर प्लेटलेट प्लाज्मा, अब जो 50 बचा उसके अंदर क्या है, कंसनट्रेटेड प्लेटलेट्स हैं, उसे रखा जाएगा रूम टेम्परेचर पे अनडिस्टर्ब टू इनहेंस प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन। कंटिन्यूस एजिटेशन ऑफ द ब्लड ऑफ द प्लेटलेट कंसनट्रेट एट कंट्रोल रूम टेम्परेचर इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑप्टिमम प्लेटलेट फंक्शन। सो आज के मैंने डिस्कस किया किस तरीके से डोनर का क्राइटेरिया क्या है, आपने ब्लड को प्रिजर्व कैसे करना है, कौन कौन से एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल करने हैं, क्या केमिकल चेंजेस होती हैं स्टोर करने के दौरान ब्लड को, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ब्लड कंपोनेंट को बनाना क्या है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं प्रिपेयर करने के लिए ब्लड कंपोनेंट को। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपसे बात करूँगी सिलेक्शन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी।